गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूं बहुत ही आसान सी ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपके आर्म्स को बहुत अच्छे से टोन अप कर देगी, उनका जितना भी बल्कीनेस है उनको खत्म कर देगी। स्पेशली गर्ल्स और लेडीज के लिए ये वीडियो है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जैसे हमारी 25 की हम उम्र क्रॉस करते हैं तो सबसे ज्यादा फैट हमारे पूरे बॉडी में तो आता है, लेकिन इस एरिया में आपने नोटिस करा होगा कि बॉयज के अकॉर्डिंग गर्ल्स की ये आर्म्स बहुत ज्यादा हेवी हो जाती हैं। और ऐसे में जब हमें कहीं पार्टी में जाना होता है, कोई फेसबुक पे या कहीं भी फोटो अपलोड करनी होती है, तो हम स्लीवलेस पहनने से बचते हैं और सोचते हैं कुछ फुल स्लीव पहने जिससे कि हमारा यहाँ का फैट छुप सके। तो क्यों ऐसी चीजें करना, बल्कि अपने मन को भी मत मारो और आसान सी घर बैठे बैठे काम करते टाइम, टीवी देखते टाइम, बच्चों को पढ़ाते टाइम या कुछ भी, जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में, तब ये आसान सी एक्सरसाइजेस फॉलो करके आप अपनी आर्म्स को इजीली टोन अप कर सकते हैं और विद इन अ मंथ, सिर्फ एक महीने में आपको रिजल्ट अपने अंदर खुद दिखना शुरू हो जाएगा। तो देरी किस बात की, फटाफट से फॉलो करते हैं और अपनी आर्म्स को सेक्सी बनाते हैं। अब बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको अपनी आर्म्स को क्रॉस करना है। आपको अपने बॉडी का पोस्चर ढीला सा नहीं रखना, स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से क्रॉस करना है। ये आपका प्रोसेस रहेगा। आप देख रहे हैं मेरे शोल्डर ऐसे ऐसे नहीं चल रहे। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके आर्म्स फूली रहेंगे और शोल्डर पतले होंगे। आपको करना है कम से कम इसको 20 बार और 20 रैप्स के आपको करने हैं 4 सेट। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन जब आप इसको करेंगे ना तो जितना दिखने में आसान लग रही है ना, उतना ही अच्छे वाला आपके ऊपर रिजल्ट लेकर आएगी। आपके खुद यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हारिएगा मत। 20 रैप्स के 4 सेट कंप्लीट करने के बाद ही आप 20 सेकंड का रेस्ट लेना और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉलो करना, जिसके लिए हमें ऊपर क्लैप करना है। इसमें भी आपको शोल्डर को कम स्ट्रेस देना है, अपनी आर्म्स पे ज्यादा लोड डालना है। इससे आपके जो बाजू है यहाँ से जो फैट है वो रिड्यूस होगा और यहाँ की जो बाजू है वो टाइट होना स्टार्ट होगी। और यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपनी आर्म्स को ऐसे पीछे लेके जाना है, अपनी जो बाजू है उसको कान के साथ चिपकाना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से आपको करना है इसको फॉलो। कितनी बार? 20 बार और 20 के करने हैं 4 सेट। आपको 20 रैप में स्टॉप नहीं होना, हर सेट्स के बाद, हर रैप्स के बाद ही आपको 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है। इससे ज्यादा ब्रेक मत लीजिएगा, नहीं तो आपके मसल्स को आराम मिलेगा और उस पे इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए, अगर कुछ पाना है तो थोड़ा सा पेन और ये सब चीजें तो हमें लेनी ही पड़ेगी ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी भी किसी की तरह बने, आप टोन बने, अच्छे दिखे, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आपको अपनी आर्म्स की पोजीशन ये रखनी है। देखिए, नॉर्मल ऐसे किया, 1 2, ऐसे आपको करना है 20 बार और 20 रैप के आपको करने हैं 4 सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है ये वाली एक्सरसाइज। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए हमें क्या करना है, सी क्रिएट करना है बाजुओं से। देखिए ऐसे, फिर देन डाउन। आप देखेंगे ये सी की पोजीशन आती है। आप 20 बार ऐसे करेंगे और उसके करेंगे 4 सेट बिना रुके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको अपने शोल्डर पे कम लोड डालना है। बार बार एक चीज समझा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग शोल्डर पे वेट डालते हैं, लोड डालते हैं, जिससे उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है या जिनको सर्वाइकल है वो नहीं कर पाते। आपको बाजुओं पे डालना है सिर्फ। खाना खाने के इमीडिएटली बाद भी इन एक्सरसाइज को इजिली फॉलो कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपके इस एरिया पे पेन होना स्टार्ट हो गया है, और अगर आपकी रॉन्ग पोजीशन होगी तो आपके इस एरिया में पेन होगा। तो समझ जाएगा कि आपको अपनी आर्म्स पे लोड डालना है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, अपनी आर्म्स ऐसे ज्वाइन करनी है, पूरा स्ट्रेच देना है बैक में, 20 के 4 सेट। बिल्कुल आपको स्लो स्लो करना है एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी बाजुओं की सारी एक्सरसाइजेस। तो ये मैंने जो वीडियो बनाया है वो है पूजा सिंह वाराणसी से, उनके कहने पर। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही आपके नेम विद सिटी नेम मैं वीडियोस में लूं और आपके कहने पर ही वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, मेंशन करिएगा। और सच में आपके ऊपर क्या इसका लोड रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, आपने पार्क में देखा होगा, किसी जिम में देखा होगा, वो सोचते हैं बहुत एक्सपर्ट है, फास्ट कर रहे हैं। लेकिन जितना फास्ट आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपकी मसल्स पे उसका लोड कम पड़ता है। आप मेरे कहने पर आज इन एक्सरसाइजेस को, कोई भी एक्सरसाइज बाजू की हो गई, फास्ट करके और स्लो करके देखिएगा, या पूरे बॉडी पार्ट में कोई भी एक्सरसाइजेस, आपको पता चल जाएगा कि स्लो वाली एक्सरसाइज आपके ज्यादा लोड डालती है अकॉर्डिंग टू फास्ट एक्सरसाइज। तो अगर आपको भी ये डिफरेंस फील होता है तो प्लीज अपना नेम मेंशन करना और डन लिखना। तो ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहे, मैं हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर और नया लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।